अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देसी परदेसी फूड लैब। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो कि है फ्राइड स्टीम रोस्ट। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही शानदार होता है। बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है और इफ्तारी के लिए ये बहुत औसम है। आप इसे बना के रख लें और जब इफ्तारी से थोड़ी देर पहले से निकालें और आप फ्राई कर लें। तो इसके लिए हमें चाहिए बोन वाला चिकन 1 किलो। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून विनेगर यानी सिरका, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दही 1 कप। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। फिर इसमें जाएगा तंदूरी मसाला, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तंदूरी मसाला इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून। फिर इसमें जाएगा अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज सॉल्ट 1 टेबल स्पून। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे नमक अपने जायके के हिसाब से। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम चिकन को मैरिनेट करेंगे 3 से 4 घंटे। उसके बाद हम इसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो उसके लिए हम अपने पैन को इसके सारे मैरिनेशन वाले मसाले के साथ ही अपने पैन में डाल देंगे। इसका मसाला आपने साथ ही डालना है, इससे चिकन का फ्लेवर इन्हांस हो जाता है, बहुत मज़े का हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अपना अब हम चूल्हा जो है वो ऑन कर लेंगे। अब हम इसको ढक कर चिकन को 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और साथ साथ हम इसे बीच में अच्छे तरीके से मिक्स भी करते रहेंगे ताकि चिकन के फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स हो जाएं। ये देखें, चिकन का ये जितना भी पानी आपको यहाँ पे पैन में नज़र आ रहा है, इस सब को आपने अच्छे तरीके से ड्राई करना है। अच्छे तरीके से इस तरह से आप इसे मिक्स कर लेंगे और इसका पानी अच्छे तरीके से हम खुश कर लेंगे। तो ये देखें, हमारे चिकन का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब जब ये गरम गरम ही होगा, इसको हमने ठंडा नहीं करना, इसे गरम गरम के ऊपर ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मैदा। मैदा हम इसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून मैदा डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे बेसन 1 टेबल स्पून। आपने इन सारे बाइंडिंग एजेंट्स की क्वांटिटी का बिल्कुल ध्यान रखना है, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट जो हमें चाहिए है वैसा नहीं बनेगा इसका। अब इसे अच्छे तरीके से आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि चिकन के हर पीस के ऊपर मैदा, कॉर्नफ्लोर और बेसन अच्छे तरीके से कोट हो जाए। और इस तरह से जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो चिकन का एक एक पीस उठा के आपने तेल में फ्राई कर लेना है। इस तरह से एक एक पीस को आपने निकाल के ऑयल में डालते जाना है और फ्राई करते जाना है, और तब तक फ्राई करना है जब तक इसका बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। तो ये देखिए, हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये, तो डू ट्राई इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।